होता तब तो सरकार जवाब देती। इन लोगों ने उस विषय पर विमर्श का माहौल ही नहीं बनाया ना, अंदर भी माहौल बनता, उस पर विमर्श होता, सब्जेक्ट वह विमर्श के लिए आता, तो निश्चित रूप से उस पर सरकार को जो कहना था सरकार कहती। लेकिन यह तो मौका ही नहीं दिया इन लोगों ने। सदन कोई मुख्यमंत्री या विपक्ष के किसी भी नेता के हिसाब से नहीं चला करता है, सदन तो सभापति या अध्यक्ष उनके हिसाब से चलता है और नियम के हिसाब से चलता है। तो इसमें मुख्यमंत्री पर आरोप लगाना सरासर, अब देखिए अब सिर्फ राजनीति करनी है हर चीज को लेकर के तो इस तरह की बात लोग करते हैं। जनता के मौलिक सवालों पर कहीं उचित तरीके से बहस हो, विमर्श हो, इस बात में उनकी रुचि कहाँ है? इसलिए अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। व्यक्ति स्वीकार करता है, और जब शराबबंदी कानून बना था उस वक्त किसी एक पार्टी की इच्छा से यह कानून नहीं बना, सभी लोगों ने न सिर्फ समर्थन किया, सहयोग किया, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी संकल्प लिया, कसम खाई कि इस कानून को हम लोग लागू कराने में रुचि लेंगे, न खुद पिएंगे न लोगों को लोग पिए इस बात का माहौल बनाएंगे। तो इतना सारा संकल्प सब लोगों ने कसम खाई, और उसके बाद सरकार ने कानून बनाया है। अब इस कानून के कार्यान्वयन में भी जिस तरह से सब लोगों ने सहयोग किया कानून बनाने में, इसके कार्यान्वयन में भी सब लोगों का सहयोग चाहिए, सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे। अभी शराबबंदी से फायदा बहुत हुआ है, घरेलू हिंसा जो महिलाओं के साथ खासकर होती थी उसमें भारी कमी आई है, जो एक्सीडेंट की घटना होती थी, लोग बीमार पड़ते थे, इसमें भारी कमी आई है। लेकिन जिस मकसद से यह कानून बना उसमें 100% सफलता अभी नहीं मिली है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन 100% सफलता तब मिलेगी ना जब सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे। तो सब लोग सहयोग करने के बजाय सरकार के खिलाफ वातावरण करने की कोशिश कर रहे हैं, सारा दोष तो उनका है, आरोप हम लोग के ऊपर लगाते हैं। लेकिन सर्वे तो सरकार के किसी निर्णय का सोशल इम्पैक्ट क्या है, यह जानने की कोशिश तो अलग अलग सरकारों की ओर से कई जगह होती रही है, और यहाँ भी ऐसी कोशिश होती है तो उसमें क्या परेशानी है? तो ऐसी कोशिश है वो एक अलग विषय है, और उसके पहले ही हंगामा खड़ा करके माहौल बिगाड़ने का प्रयास, यह कहां तक उचित है? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।